बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है, मेरे दिल में ख्याल आया कि लकड़ियाँ इकट्ठी करने का हुक्म दूँ, फिर नमाज का हुक्म दूँ तो इसके लिए अजान कही जाए, फिर एक आदमी को हुक्म दूँ कि लोगों की इमामत करे, फिर मैं ऐसे लोगों की तरफ निकल जाऊँ जो बग़ैर किसी उजरे शरी के नमाज बाजमात में हाजिर नहीं होते, और उनके घरों को आग लगा दूँ। कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है, पर इनमें से कोई जानता कि इसे हड्डी वाला गोश या दो उमदा पाए मिलेंगे तो ज़रूर नमाज इशा में शामिल होता। घास काटने वाला एक मज़दूर है। घास काट काट कर थका हुआ ये मज़दूर रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर पांच वक्त नमाज की सूरत में सजदाए शुक्र अदा करके हमें ये पैगाम दे रहा है कि ये नमाज किसी भी सूरत माफ़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें इस्तकामत के साथ नमाज कायम करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।